हम एक जुट होकर जो जो ड्रग के विक्टिम्स बन जाते हैं बच्चे खास तौर पे, उनको देखभाल वहाँ तक नहीं होती या कोई सही मुनासिब वहाँ इंतज़ाम नहीं होता, तो कई डेथ्स जो हैं जम्मू कश्मीर में होती हैं। इसका आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि मेरे जानने वाले एक जो बाप है उसके बच्चा जो है वो ड्रग्स में था। तो एक ज़माना था कि लोग दरगाहों पर मठों पे जाके दुआएं करते थे बच्चे लेने के लिए, लेकिन आज उस बाप ने वो ये दुआ कर रहा है कि ये मेरा बच्चा मर ही जाए। इस किस्म की प्रॉब्लम है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो बच्चा अपने जो बाप अपने बच्चे के मरने की दुआ कर रहा है, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितनी परेशानी हो सकती है ड्रग्स अब्यूज़ की वजह से। मुझे खुशी है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ डिप्टी कमिश्नर और SSP साहब मौजूद हैं, इन्होंने आप लोगों का जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इनका सहयोग किया, और मुझे लगता है कि ये इस मिशन को, जो बहुत बड़ा मिशन है, ये गांव-गांव तक ले जाएंगे, तहसीलों तक ले जाएंगे, ब्लॉक लेवल पे ले जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे करना तो आसान है, लेकिन ये प्रॉब्लम जिस हिसाब से है, जिस मैग्नीट्यूड की है, ये आगे तक लेने की ज़रूरत है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अवेक अराइज एंड डू नॉट स्टॉप अनटिल द गोल इज रीच्ड। तो मुझे लगता है कि स्वामी जी की बात को हमें गांठ बांध के रखना चाहिए और इस पे चलते हुए तमाम एफर्ट्स करने चाहिए कि इस ड्रग अब्यूज़ का जो है तदारक किया जा सके। ना सिर्फ इसके दो पहलू हैं, एक तो कानूनी पहलू है जिससे हम कोर्टों में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, गिरफ्तार करती है। अब ये भी एक बड़ा मामला है कि जो ड्रग ले रहा है क्या वो जालिम है कि मज़लूम है, क्योंकि जो एक इनोसेंट आदमी या बच्चा जो है वो ड्रग में चला जाता है, वो उसे बाहर आ नहीं सकता। तो एक तरीका ये भी है उसको देखने का कि वो विक्टिम है, और हमें उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए जो है समाज में काम करने की ज़रूरत है, ना कि उसको सज़ा देने की, क्योंकि सज़ा देने से ये मामला हल नहीं होगा। और मुझे उम्मीद है यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्टी कमिश्नर और SSP साहब बड़े, दे आर वेरी वंडरफुल ऑफिसर्स, वेरी एफिशिएंट ऑफिसर्स, वो इस मामले में पहल करेंगे। और जो ये आपके ऑर्गेनाइजर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी वातल साहब की सरबराही में और शेख अल्ताफ हुसैन की सरबराही में, जो ये ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनकी भी मदद लेंगे और इस मिशन को आगे चलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अवेयरनेस प्रोग्राम का मेन मकसद था लोगों को, हमारे बच्चों को, सीनियर सिटीजन्स को ये अप्राइज करना है कि ड्रग के इस्तेमाल से कितने बुरे असरात हैं, हमारे बच्चों पर कितने बुरे असरात हैं, हमारे बच्चे इस
कौम के मेमार हैं। कल इन्हीं बच्चों में डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई जज होगा और कोई अच्छा ऑफिसर होगा, कोई वकील होगा। लेकिन अगर ये बच्चे ही बचपन से ही ड्रग्स का इस्तेमाल करें तो वो हम जो हमारा जो ये कौम के मीमार हैं हम पहले भी उनको खो देंगे। इनमें कोई ना डॉक्टर बनेगा, ये सिर्फ ड्रग एडिक्टेड बनेंगे। इसलिए उनको अप्राइज करना था, इनको रोशना आशना करना था कि ड्रग बिल्कुल मत इस्तेमाल करो। और इनके वालदेन जो हैं या बाकी जो सीनियर सिटीजन हैं उनको भी हमने ये अप्राइज किया इस अवेयरनेस प्रोग्राम के कि आप भी अपने घर में भी बच्चों को देखो कि वही कोई बच्चा ये गलत इस्तेमाल मत ड्रग का इस्तेमाल न करता है। मेन मकसद इस ये प्रोग्राम जो है हम हर रियासी के हर एक कोने कोने में हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं वो जाएंगे जहां वो लोगों को सीनियर सिटीजन्स को और बाकी अफराद जो हैं वहां जो रहते हैं जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं वो उनको इस अवेयरनेस प्रोग्राम के मुतलिक समझाएंगे, बताएंगे कि ड्रग का इस्तेमाल कितना गलत है और इसका कितना बुरा असर है। ड्रग्स का इस्तेमाल आप देखते हैं हमारे स्कूलों में है, यूनिवर्सिटीज़ में है, बाकी इदारों में भी है। ये जो है ये वेस्टर्नाइज कंसेप्ट हो गया है ड्रग का इस्तेमाल की वजह से। इसलिए हमारा यही मकसद था कि बच्चों को इस बिदत से कैसे हम इसको इस बिदत को कैसे ख़त्म कर देंगे, यही हमारा मेन मकसद। डेप्यूटी कमिश्नर रियासी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रियासी, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन रियासी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सीनियर एंड जूनियर मेंबर्स ऑफ बार एसोसिएशन रियासी, फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट रियासी, स्टाफ मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स रियासी, प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी, मीडिया पर्सन, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा आप सबको आदाब नमस्कार। मैं सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रियासी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी रियासी की ओर से आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये समारोह समाज में नशे की लत से ग्रस्त युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है और ये कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रियासी में ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक रजिस्टर्ड एनजीओ है के ही सहयोग से ऑर्गेनाइज किया है। से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। आज के इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट सम्माननीय जस्टिस मोहम्मद अकरम चौधरी जी का मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रियासी की तरफ से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सम्माननीय मिस्टर जस्टिस ने अपने इंतहा मसरूफियत के बावजूद भी हमारी दावत कबूल की, यहाँ इस कार्यक्रम में तशरीफ लाकर हमें इज्जत बख्शी। हम आपका तहे दिल से बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं और आपका शुक्रिया अदा भी करते हैं। आपकी मौजूदगी से हमारे इस प्रोग्राम का मियार बढ़ा है, इसमें शामिल हम सबकी इज्जत अफजाई हुई है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। आप 10 जून 1965 को जिला रियासी की तहसील थुरू गांव थुरू में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम आपने गवर्नमेंट हाई स्कूल थुरू और गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रियासी से हासिल की। ग्रेजुएशन आपने गवर्नमेंट मेमोरियल आजाद कॉलेज जम्मू से हासिल करने के बाद 1999 में जम्मू यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री हासिल कर ट्रायल कोर्ट्स, रेवेन्यू कोर्ट्स, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में वकालत शुरू की। साल 1995 में आप मुंसिफ के तौर तकरीरी आपकी मुंसिफ के तौर तकरीरी हुई और साल 1998 में सब जज और 2007 को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तरक्की हुई। आपको जम्मू कश्मीर के तीनों सूबाजात की अदालतों में अपनी खिदमत अंजाम देने का मौका मिला, जिसमें चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कागिल, बडगाम, एविक्शन अथॉरिटी वाक, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बांडीपुरा, रामगढ़, अनंतनाग, सांबा, कठुआ, चेयरमैन जेएनके सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल, प्रिजाइडिंग ऑफिसर एमए सिटी, मेंबर जेएनके स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी काबिल जिक्र है। आपने 9 नवंबर 1921 को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जज के तौर हलफ उठाया। आज का दिन हमारे लिए इसलिए भी बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि आपका तल्लक इस जिला से है और इस अहम ओहदे पर फायज होने के बाद भी जिला में आपकी नियत के इस प्रोग्राम में पहली मरतबा आपकी शिरकत हो रही है। एक नशा मुक्त प्लेज दी जा रही है। हर बच्चा मॉर्निंग असेंबली में एक नशा मुक्त प्लेज देता है।
प्लेज ये लेता है कि मैं कभी भी किसी भी फॉर्म ऑफ नशा को अपने पास आने नहीं दूंगा या उसको नहीं सेवन नहीं करूंगा, और आसपास जितने भी मेरे आसपास सोसाइटी में, मेरे घर में, पड़ोस में अगर कोई ऐसा बच्चा मुझे मिलता है तो मैं उसको भी रोकने की कोशिश करूंगा। सारे बच्चों ने ये प्लेज ली है? श्योर? ये प्लेज इसीलिए ली जाती है, दिन की शुरुआत की जाती है कि आपकी नजर में अगर कोई ऐसा बच्चा आता है तो आप उसको कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में किसी को टीचर को बता के, प्रिंसिपल को बता के उसको काउंसलिंग या एक एम्बिट में ले आए। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने काउंसलिंग सेंटर खोले हैं क्योंकि डी एडिक्शन सेंटर बनाना तो इम्पोर्टेंट है ही, पर उससे पहले काउंसलिंग जरूरी है। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काउंसलिंग सेंटर है, कटरा के जो है वहाँ पर भी हमें स्पेस, जो हमारा वेलनेस सेंटर है वहाँ पर भी स्पेस है, और माहौर में भी हमने स्पेस क्रिएट की है कि जो बच्चे, जो लोग, बच्चे ही नहीं, जो लोग इस नशा का शिकार हो चुके हैं वो अगर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं, अगर वो पेरेंट्स से थोड़ा घबराते हैं, अपनी सोसाइटी से घबराते हैं, तो वो किसी भी इस फोरम में आकर अपनी प्रॉब्लम बताएं और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की हमारी कोशिश हो सके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आज भी कहती हूँ कि हमारा पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल प्ले है। अगर पेरेंट्स एक्सेप्टेबिलिटी दे दें, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों की तरफ फोकस करना शुरू कर दें, उनको रोज के रोज उनके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इस तरफ जा सकता है। कहीं ना कहीं हमारी जो बिजी लाइफ है जहाँ पर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में गैप आ गया है, उस गैप फिलिंग के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चे पेरेंट्स के पास जाएं। मैं कहती हूँ एक दिन का एक मील अपने पेरेंट्स के साथ जरूर खाएं ताकि पेरेंट्स उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें और कोई परेशानी आती है, मुझे लगता है बच्चे को उनसे, उनके पेरेंट्स से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। बच्चा दूसरी तरफ तभी जाता है जब उसको घर में वो काम नहीं मिलते सुनने वाले, इसलिए वो दूसरी तरफ ढूंढना शुरू करता है, किसी और की तरफ जाता है। ऑनरेबल मोहम्मद अकरम चौधरी साहब, जस्टिस हाई कोर्ट जेएनके वाला डाक, रिस्पेक्टेड आरएन वाटल साहब प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रियासी, मैडम रवीला रकवाल डिप्टी कमिश्नर रियासी, शैलेंद्र साहब प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन, बार एसोसिएशन के मेंबर्स, डिग्निटरीज और प्यारे बच्चों, मैं ये बताता चलूं पूरे विश्व में 2% आबादी जो हमारी है वो इस ड्रग्स के चंगुल में फंस चुकी है, और हमारे देश में ये तकरीबन 3 times हायर है उससे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आज का ये सेमिनार यहाँ पे ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन व डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया, इस तरह के सेमिनार्स एंगेजमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो हमें समझना है कि ये ड्रग्स की बीमारी क्या है और हम क्यों इसके बारे में इतनी बातें करते हैं। जैसा कि बताया गया कि ये पूरे विश्व में तीसरे नंबर की इलीगल ट्रेड है जो चलती है, और ये एक ऐसी बीमारी है जिससे एक फैमिली का चाहे एक ही फर्द इन्वॉल्व हो लेकिन वो पूरी की पूरी फैमिली इससे इफेक्ट हो जाती है, और फैमिली हम सब जानते हैं एक सोसाइटी है। तो अल्टीमेटली ये सारी बीमारी जो है एक दीमक की तरह पूरी सोसाइटी को इफेक्ट कर रही है। नशे के बारे में आपको पता होना चाहिए 75% नशा जो है उसमें शराब, कैनबिस, ओपियम और हेरोइन और साइकोट्रॉपिक ड्रग्स का एक छोटा सा पार्ट है,
75% जो नशा किया जाता है इन चार चीजों का वो नशा है। और इसमें जब हम नशा रोको अभियान, जहां हम कहते हैं से नो टू ड्रग्स से यस टू ऑर्गेनाइजेशन, अताप हुसैन जी, सेक्रेटरी सबजज मैडम रेखा निशल जी, बाद एसोसिएशन रियासी से आए हुए सीनियर एडवोकेट श्री के के दुबे जी, आर के शर्मा साहब, बी के शर्मा साहब बाकी बुकला साथी को यहाँ पे डिफेंस स्कूल से आए हुए प्यारे बच्चे व उनके साथ टीचर्स मीडिया कर्मी, तो आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्वे अथॉरिटी रियासी विद द कोलैबोरेशन ऑफ ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन, उसका मकसद क्लियर है, नो टू ड्रग्स जस्ट टू लाइफ बन चुकी है। आपके इस छोटे छोटे सेमिनार करने से या छोटे छोटे कदम उठाने से क्या होगा, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि एक बार जंगल में आग लगी हुई थी तो चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेके वो जंगल की आग बुझाने जा रही थी, तो किसी ने चिड़िया से पूछा कि ए चिड़िया तेरे इस चोंच भरे पानी से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी, तो चिड़िया ने जवाब दिया था कि मुझे नहीं पता कि मेरी इस चोंच भरे पानी से जंगल की आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन इतना तय है कि मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आज का ये ऐलान, आज की ये महफिल अपना नाम आग बुझाने वालों में दर्ज करवाने के लिए भी है। तो हमारी ये छोटी सी कोशिश अगर ज्यादा कुछ न कर सकी तो कम से कम इतना जरूर है कि हमारा नाम जो है ड्रग्स की तबाही को रोकने के लिए हमारा नाम जरूर दर्ज किया जाएगा। तो इसलिए आप सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और एक बिग राउंड ऑफ अप्लाज आप सब साथियों के लिए।